सर आप पैसे मांग रहे हो, आप पैसे मांग रहे हो ना इनसे? नहीं कोई बात नहीं सर, आप किस लहजे में उठवा रहे हैं आप इन्हें? गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पहले बुजुर्ग को सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूड वीडियो कॉल की गई, जिसके कुछ समय बाद फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर बनकर बुजुर्ग को डराया। डराने के बाद आरोपी ने बुजुर्ग को जेल भेजने की धमकी भी डाली। इसके बाद उसने बुजुर्ग व्यक्ति से 74,000 रुपए की ठगी कर। जब बुजुर्ग को अपने साथ हुई ठगी के बारे में पता चला तो उसने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। आपके खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट है कि आपने किसी लड़की को मोरेस्ट किया है, उसके साथ गलत काम किया है और हमने ये छापेमारी करी है, उनमें से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो उसमें पापा थोड़ा सा घबरा गए थे, तो फिर उन्होंने सेटलमेंट के लिए उनसे बोला, तो लगभग स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है 5,000 रुपए करके पापा ने दिए थे। जब तक सर उनके, जब तक मेरे पास ये मैटर आया था 74,000 दे चुके थे। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र कविनगर पर दिनांक 27 नवंबर को वादिया मोनिका शर्मा जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा दिया गया। उक्त के संदर्भ में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई है, इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें कि आरोपी ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर सीनियर आईपीएस अधिकारी रह चुके प्रेम प्रकाश बनकर बातचीत की, जो कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में एडीजी पद से रिटायर हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूर्य समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट।